मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप गेहूँ की खेती अगर करना चाहते हैं तो कौन सी किस्म की गेहूँ होनी चाहिए आप चयनित कर लीजिए। तो हमारे एरिया में सरबती गेहूँ चलता है और खेत की अच्छी से जुताई करें, मिट्टी भुरभुरा हो जाए और गोबर खाद डालें, उसके बाद आप कम से कम अपने खेत की किस्म के अनुसार बीज की मात्रा डालें ताकि सभी जगहों पर बराबर बीज डल जाए ताकि उत्पादन में उत्पादन प्रभावित न हो, किसान भैयाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने, आप भी चलो ना। फार्म स्कूल जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तू हर मन के स्वागत है। आज तुम यही कहियो संगी हो, बोलो बोलो गा निरंजन मेहनत के गुण गा गा चिरैया बोले, बोलो बोलो गा निरंजन मेहनत के गुण गा गा चिरैया बोले। मेहनत के देवता मोर छत्तीसगढ़ी है किसान, तुरे से होते जी सोन के बिहान। अरे नहीं होवे संगी जी, नहीं होवे संगी जी मेहनत बिना प्यार में, बोलो बोलो गा निरंजन। हाँ संगी हो, और मैं कार्यक्रम ला शुरू करे के पहले सबसे पहले आप मतलब बता दो जो हमारे नवा बछर के आप मतलब बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई। ये नवा साल है तुम्हारे मन पर, नवा नवा
ज्ञान लावाए, नवा नवा खुशी लावाए और साथ साथ में तुम्हारी जिंदगी में खूब आर्थिक और हर प्रकार की उन्नति देवे, संगवारी हो, यही हमर मन के आपके शुभकामना है। और संगी हो तुम्हें जाना था कि आज के दिन हम सीधा तुम्हार मन से फोन में बात कर सकत हन, तो आज के जो विषय है, विषय में अभी आप मतलब बताने वाला हूँ थोड़ा देर में, लेकिन आज के जो विषय है इसका से संबंधित कुछ भी तुम्हार मन में सवाल हो तो तुम मन सीधा हमला फोन में बात कर सकत हो। और ये फोन के नंबर तुम मैं बता दू 1800-233-9418 हाँ संगी, वो तुम्हारे जो स्क्रीन में देखा थे तुमने नंबर है तुम्हें फोन लगा हा। तो आज के जो विषय है तेरा सवाल ला सीधा सोझे पाहू संगी हो। आज के हमारे जो विषय है तो उन्हें कड़कनाथ मुर्गा के पालन कैसे करे जाए। तुम सोचो तू मुर्गा बहुत कम सोचे नहीं, ये कड़कनाथ मुर्गा का है तो कतको जन जाना भी हुई और कतको जन नहीं भी जाना हुई संगवारी। ये कड़कनाथ मुर्गा हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल छा गए, अपन बहुत अकन विशेषता की स्थिति, अपन ओखर बनावट की स्थिति, ओखर फायदा की स्थिति, वो बहुत अकन कारण से कड़कनाथ मुर्गा जो उन्हें तेखर हमारे किसान मन बहुत जन मन पालन करत है। अवेला आप मन बड़े से बड़े रूप में घलो कर सकत हो, छोटे से छोटे रूप में भी कर सकत हो, और एक दाम भी बहुत बढ़िया है, बाजार में मांग घलो बहुत है संगी हो। तब तुम्हारे मन में सवाल जरूर उठत हुई कि कड़कनाथ मुर्गा का पालन ला कैसे करे जाए, का उखर पर कैसे घर बनाया जाए, कहाँ से चूजा मिली का है, ये सब बात के जानकारी है जब आप मन देवाबो। और ये आज के जानकारी में देवर हमारे में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में आए आप हैं डॉक्टर मौसमी यादव जी, ये पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और ये जो उन्हें तेना गुंडरदेही से आए हैं। और आप आए डॉक्टर सी सूर्यम दोरा जी, ये डॉक्टर सूर्यम दोरा जी तो उन्हें ये विषय विषय विशेषज्ञ घलो है और पशुपालन विभाग के वैज्ञानिक घलो आए। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार, जय स्वागत स्वागत। तो सबसे पहले वापस जानना चाहबो कि हमारे किसान भाई मन अगर कड़कनाथ मुर्गा पालन करी तो मतलब का फायदा है, आर्थिक रूप से कौन कौन रूप से का का फायदा है बताओ। तो सबसे पहले तो मैं जो दर्शक हैं और जो किसान भाई भाई बहन हैं हमारे, उन सबको मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अब तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि जो कड़कनाथ मुर्गी है जी जी। उसके पालन से आर्थिक लाभ जी। तो जो कड़कनाथ मुर्गी है उसका उसकी अगर तुलना हम करें सामान्य मुर्गियों से या जो देसी मुर्गी होती है उनसे जी जी। तो इसमें इतनी सारी विशेषताएं होती है जिनके कारण से इनसे आय बहुत ज्यादा होती है सामान्य या उनके देसी मुर्गियों की अपेक्षा। तो ऐसे तो विशेषताएं बहुत है लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे इसमें क्या होता है कि जो कड़कनाथ मुर्गी का जो मांस होता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होती है और वसा होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जो उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं या मधुमेह के जो रोगी हैं वो भी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल उनके लिए भी फायदेमंद है। और फिर क्या है कि इसमें जो कड़कनाथ मुर्गी जो होती है उसमें आयरन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अच्छा। इसीलिए इसका जो रंग भी है ना वो काले रंग का दिखाई देता है। इसका खून भी काला होता है इसी वजह से, इसीलिए इसे काला मांसी भी कहा जाता है। मांस घरों करिए हाँ हाँ, हाँ मांस भी काला, खून भी काला, इसका इसलिए इसको काला मांसी बोलते हैं। अच्छा। तो ये जो इसकी इतना आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण से क्या होता है कि जो एनीमिक जो रोगी है जिनमें खून की कमी होती है, हाँ बिल्कुल वही, और जो गर्भवती महिलाएं हैं इन सबको ये दे सकते हैं। अच्छा। है ना। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी बहुत मात्रा में होता है। अच्छा। तो इन सब विशेषताओं के कारण से इसके जो मांस का जो रेट है बाजार में बाकी मुर्गियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है इसको, अगर क्योंकि उसी समय पे हम नॉर्मल मुर्गी पालेंगे या देसी मुर्गी पालेंगे और उतना ही समय इनके प्रबंधन में भी लगना है लेकिन आय कई गुना बढ़ के आएगी। जी जी। इसके अलावा क्या है कि अभी क्या है हमारे मार्केट में ये जो इनका डिमांड है बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है पूरा भारत में। हाँ, पूरा भारत में, विदेशों में मांग है। अरे वाह भाई। तो इस वजह से क्या है ना, इस वजह से भी इसमें आर्थिक लाभ बहुत अच्छे से कमाया जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा गुने में कमाया जा सकता है उनकी अपेक्षा जो देसी मुर्गी या जो सामान्य मुर्गी है उनकी अपेक्षा। मतलब उत्पादन अभी कम है, मांग बहुत ज्यादा है। मांग बहुत ज्यादा है, उत्पादन अभी कम हो रहा है, इस वजह से भी इसका रेट बहुत ज्यादा है मार्केट। बहुत सुंदर बताया। इसके अलावा एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, इसका जो अंडे का जो रेट होता है ना, क्योंकि उसमें भी पोषक तत्व बहुत ज्यादा होता है तो अंडे का रेट भी बहुत ज्यादा है, तो उससे भी आय मतलब ज्यादा ली जा सकती है। बाकी अंडा से ज्यादा भी बाकी अंडा बिल्कुल बढ़िया बताया आप। सर दौरा सर हम आपसे ये जानना चाहबो कि ये मुर्गा ला पालन करे पर एक जो रहे जो जगह आवास के प्रबंधन है ओला कैसे करे जाए, वो बहुत जरूरी है। मुर्गी में लड़वा बीमारी होते जल्दी मरे देख सुने। जी जी जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। कड़कनाथ जो अपन चूजे को पालने के लिए आवास की व्यवस्था, यदि हम कम पैमाने पे मतलब कम स्तर पे जैसे 40 चूजा 50 चूजा जो गांव के किसान हैं वो पालना चाहते हैं तो वो बैकयार्ड विधि मतलब जो घर की बाड़ी होती है
बाड़ी के पीछे रख के उसका वो पालन कर सकते हैं। अच्छा। और यदि यदि उनको व्यावसायिक तौर पे करना है, व्यावसायिक मतलब ज़्यादा मात्रा में 500-1000, तो उसके लिए जो मुर्गियों के आवास होता है उसके शेड निर्माण किया जाता है। अच्छा। और वो जो शेड निर्माण की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर किया जाता है। अच्छा। ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो उन पे कम से कम आ सके, और जो उत्तर दक्षिण दिशा से जो हवा चलती है वो हवा जो है वो उनको ज़्यादा मात्रा में मिलती रहे, क्योंकि पूर्व पश्चिम हर दीवार रखा इसे कहने का। हाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ताकि क्यों ये इस बात का विशेष ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुर्गी शेड के अंदर जो है वो अमोनिया गैस निकलती है। जी, जी। तो उनका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जी, एक मिनट आप रुका था, एक किसान भाई फोन है, तेल पहले लिया था। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी संगी, कौन बोला था जी? उमेश पटेल बोला था जी, राजगढ़। हाँ उमेश पटेल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। पूछा पूछा की आपो मतलब बहुत बधाई। तो पूछा संगी, कहा जानना चाहता हूँ ये पूछा था कि चूजा कहाँ मिली, आप पालन पोषण कैसे कर बोलोगे? हाँ वही चलत बतावा था, देखकर बतावा सर आओ। बहुत बहुत आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आपको जो कड़कनाथ के जो चूजे हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर से उपलब्ध हो जाएंगे। ये 20 दिवसीय चूजे रहेंगे, क्योंकि हम 1 दिवसीय चूजे इसलिए नहीं देते क्योंकि जो ब्रूडिंग होता है उनमें, मतलब जो चूजा जैसे निकलता है उसके बाद पालन पोषण करने में क्या है, किसानों के यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं रहती ब्रूडिंग की, तो इसलिए हम 20-21 दिन का चूजा देते हैं। उसको आप लेके जाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि आवास का, तो यदि आप कम मात्रा में पाल रहे हैं, 50-100 में पाल रहे हैं, तो आप अपने घर के बाड़ी में रख सकते हैं, और यदि अधिक मात्रा में पाल रहे हैं तो आप इसके लिए शेड तैयार कर सकते हैं, और लगभग एक औसतन एक मुर्गी के लिए आपको 1 स्क्वायर फीट की जगह पड़ेगी। अच्छा अच्छा जी, आगे बताओ, देर तक बताओ फिर अब। हाँ, तो वो तो इसके जो आवास है तो इसके लिए 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के लिए ये लगेगा, और उसके बाद वहाँ पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तालाब के पानी को पिला रहे हैं, ट्यूबवेल बोरवेल ये सब होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो चूजे होते हैं इनमें उनको प्रॉपर लाइट की जरूरत पड़ती है। अच्छा। मतलब गर्मी देना पड़ता है। शुरू के जो 4 से 5 सप्ताह हैं उनको प्रॉपर हीट में रखा जाता है, तो ये सब के लिए बिजली की आवश्यकता होनी चाहिए, और वो शहर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए या शहर से ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। जैसे हम मुर्गियों का नुकसान है, लेबर मिलने में दिक्कत होती है। शहर के अंदर इसको नहीं बनाया जाता क्योंकि मुर्गियों में क्या है, बहुत तरह की बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए वो एक में यदि बीमारी फैलती है तो वो बाकी में भी फैलती है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसे रहती हैं जो मुर्गियों से इंसानों में भी फैलती है, तो इसीलिए इसको शहर के अंदर नहीं बनाया जाता और गांव से थोड़ा सा दूर बनाया जाता। अच्छा, अगर जमीन में कुछ थोड़े रखे पड़ते हैं, सूखा भूया मुखी काम चल जाते हैं? नहीं नहीं, इसके लिए आपको शेड के नीचे जो रख रहे हैं तो उसमें अपन लीटर बोलते हैं, लीटर मतलब भूसा है या फिर पैरा कुट्टी है, धान का बुरादा है, ये 6 से 8 इंच का हम रखते हैं। अच्छा, उसका रखते हैं, उसका काम ये है कि वो जो ठंड के दिनों में गर्मी प्रदान करता है और वो गर्मी के दिनों में ठंड प्रदान करता है, और जो उसके जो बीट होते हैं मुर्गियों के जो मलमूत्र होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, तो उसको हर 2 से 3 महीने में उसमें चूना से इसको मिक्स करना रहता है ताकि उसमें कोई संक्रमण न फैले। जी, एक किसान भाई का फोन ले ली। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी संगी, कौन बोला था? हाँ, मैं सेठ मंदिर पटेल बोला हूँ सर। हाँ जी पटेल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार सर। हाँ पूछा पूछा पूछा, कहाँ पूछना चाहता था सर? वो चूजा के कीमत पड़ी का, चूजा के बराबर बोलो, वो चूजा के कीमत कतक पड़ी, और जैसे मुर्गी पालन में लागत कितना लगी? हाँ सर बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये जो चूजा है आपको कृषि विज्ञान केंद्र में 80 रुपये प्रति चूजे की नक से उपलब्ध हो जाएगा। ये लगभग 4 सप्ताह का रहेगा, 3 से 4 सप्ताह का, और उसके बाद ये आप जो कड़कनाथ मुर्गी पालन की लागत बोल रहे हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप किस स्तर से इसको शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे 50 चूजे से या 100 चूजे से। 100 चूजे से यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो 100 चूजे के हिसाब से 80 रुपये दर के हिसाब से आपका चूजे की लागत हो गई 8,000 रुपये, और इसका एक जो इसके लिए दाना चाहिए, आहार जो आहार है वो प्रति मुर्गी 4 किलो लगभग इसको लगता है,
तीन से चार महीने में, एक किलो से सवा किलो होने में। तो इसको अपन तो 100 मुर्गियों के लिए अपन देखा जाए तो जैसे 4 किलो लग रहा है एक मुर्गी के लिए, तो एक किलो का रेट यदि 30 रुपए है आहार का, तो एक मुर्गी के पीछे 120 रुपए हो जाएगा, तो 100 मुर्गियों के पीछे 12,000 हो जाएगा। तो जैसे 8,000 चूजे का हो गया, 12,000 आहार का हो गया, 20,000 और यदि कोई दवाई वगैरह है उसमें टीकाकरण करना पड़ता है, कुछ कुछ बीमारी रहती है, तो अपन 22 से 23,000 मानते हैं। लेकिन यदि आप उसको कम से कम 600 रुपए किलो में भी बेचेंगे तो 100 मुर्गियों का 60,000 रुपए होता है। बहुत सुंदर। तो आप 3 से 4 महीने में लगभग आपकी आमदनी दुगुनी हो गई। जी, जी। आपने 22,000 रुपए खर्च किया तो आपको मिनिमम 50,000 रुपए की आमदनी होगी। मैडम आपसे हम ये जानना चाहबो कि अतिरिक्त कौन कौन से इससे सावधानी रखना बहुत जरूरी है पालन में जेकर से उत्पादन बढ़िया हो सके। देखिए इसके आवास के लिए जैसे हमारे साथी विशेषज्ञ ने आपको पहले ही बताया कि गांव से बहुत ज़्यादा ना पास हो ना दूर हो। क्या है, पास होने से क्या होता है कि जो बीमारियों के संक्रमण का खतरा रहता है, और दूसरा अगर ज्यादा दूर हो गया तो मजदूर वगैरह मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बार बार आपको वहाँ पे दाना पहुँचाना है, औषधियाँ पहुँचानी है, उसका रखरखाव करना है, तो इतना दूर भी ना रहे कि आवागमन में तकलीफ हो। तो आवागमन वहाँ पे सुचारू रूप से होना चाहिए। कतकड़ रहना चाहिए उमा कैसे ढंग के व्यवस्था रखकर बारे में थोड़ा सा देखिए। हाँ, शेड जो आप बना रहे हैं वो तो आपके जितने आप चूजे रख रहे हैं, अच्छा अच्छा है ना, उसके हिसाब से आपको मतलब डिपेंड करेगा। आप जैसे इन्होंने बताया था कि जो लीटर रखना है वो 6 से 8 इंच का आपको रखना है, मतलब नीचे जो बिछाने का जो रहता है। बाकी इन्होंने दिशा भी आपको बताई थी कि जो लंबाई में रहता है वो रहता है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में, और उत्तर दक्षिण में उसका मतलब मतलब हवा के वेंटिलेशन के लिए, हाँ, जो पर्दे लगते हैं या जो जालियां लगती है ना वो उसमें रहता है ना, उसमें क्या है 8-10 फीट तक का ऐसे मतलब दीवार रखा जाता है। और जिस हिसाब से आप मुर्गियां रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से, तो जैसे इन्होंने बताया ही है कि एक मुर्गी का आपको 1 स्क्वायर फीट लगना है, तो उसी हिसाब से आप उसका गणना करके मतलब जितनी मुर्गियां लगनी है रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप जगह अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो जो कौन सी बात है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं जिकर से बचे किसान भाई? हाँ नहीं जी, जैसे हम आवास में जैसे कुछ कुछ बातें कर रहे थे, जैसे क्या है, जैसे कि आप जमीन जो है जो जगह का चुनाव कर रहे हैं, क्या है उतला रहना चाहिए थोड़ा, मतलब गहरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पानी का जमा होगा, पानी का जहाँ जमा हुआ तो बीमारियों के फैलने का फिर खतरा हो जाएगा, है ना, या ठंड का भी उनको खतरा हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जंगली जानवरों का वहाँ पे ज्यादा प्रकोप ना रहे, है ना, कभी उनसे भी वो हो सकता है। उसके अलावा जो बिजली पानी ये सब चीज एकदम समुचित मात्रा में उसको उपलब्ध होते रहनी चाहिए। तो ये हमको आवास से जो रिलेटेड ये जो जानकारियां थी ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। है ना, इसके अलावा तो और बहुत कुछ, मतलब जैसे उनका टीकाकरण है ये सब करवाना, मतलब आप उनको अगर रख रखाव सही करना है तो उसमें टीकाकरण आपको करवाना है समय पे उनका, आहार का विशेष ध्यान रखना है, और आहार भी उसमें क्या है कई चरणों में मतलब देना है उनको, उनकी आयु के हिसाब से उसमें आहार रहता है ना, तो उसका अनुपात अलग अलग रहता है उसमें, प्रोटीन और वो जो वसा की मात्रा रहती है ये सब अलग अलग अनुपात में होता है, तो वो सब देना है। जी, तो आहार के बारे में पूरा एक कतका लगी, कतका प्रोटीन लग जाए, कतका का लग जाए, इसके बारे में थोड़ा फोर के बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कड़कनाथ मुर्गी की। यदि हम आहार की बात करेंगे तो यदि हम इसको देसी विधि से पालन कर रहे हैं, जैसे मैं बताया था कि बैकयार्ड में जी जी। तो क्या है जैसे किसान भाई बहन आहार जो है उनके दाने हैं वो कमर्शियली आते हैं, मतलब दुकानों पे उपलब्ध अच्छा, है, लेकिन यदि घर में बनाए या फिर हमको ज्यादा खर्च नहीं करना है तो जो घर में जो हमारे सब्जी के वेस्ट रहते हैं, जो हाँ वेजिटेबल वेस्ट रहते हैं, या फिर धान है हमारा, जो हमारा कनकी है, भूसा है, गेहूं का चोरा है, और यदि ये मूंगफली की खली है, सोयाबीन की खली है, तो ये सब लोकल स्तर पे मतलब गांव के स्तर पे हम इसी को ही अच्छा, आहार बना के जी आहार बना के इसमें मतलब आहार में हम कम से कम खर्च करके गांव के जो किसान भाई हैं वो अपने आहार के जो खर्च हैं उसको बचा सकते हैं। और यदि हम इसको व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं, हम 500-2000 बर्ड्स पाल रहे हैं, तो ये सब आहार इकट्ठा करना मुश्किल है, तो उसके लिए जो कमर्शियली जो फीड तैयार होते हैं अच्छा। वो सभी वर्ग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे चूजे हैं तो चूजे के जो आहार होते हैं उनको स्टार्टर राशन कहा जाता है। स्टार्टर राशन में क्या है, चूजों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है शुरू में। हाँ, तो जो स्टार्टर आहार है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसा मतलब ग्रोवर कि जब एक महीने से तीन चार पहले रोक लेते हैं, पहले किसान भाई फोन है, हेलो हेलो, हाँ संगी कौन बोला था जी? मैं सतीश कुमार बोला था दंतेवाड़ा से। हाँ जी सतीश कुमार जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। हाँ पूछा।
मैं ये जानना चाहते हैं कि अपन राज्य शासन से कोई ऐसा योजना चलत है कड़कनाथ मुर्गी पालन या दूसरा मुर्गी पालन के संबंध में। जी जी, विभागीय जानकारी चाहते हैं तो आप बताओ घर बारे में का सरकार डाले सहयोग मिल सकते हैं। सरकार द्वारा अभी एक चला थी मतलब एक योजना है जो बैकयार्ड कुकुट पालन के लिए एक योजना चल रही है, तो इसमें क्या है जो सामान्य हितग्राही होते हैं या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही हैं उनको 75% अनुदान में मुर्गियों को वितरण किया जाता है, मुर्गी और मुर्गी दाना भी नहीं सभी के लिए सभी वर्ग के लिए अच्छा, उनको अच्छा, क्या है 75% का अनुदान है और जो अनुसूचित जाति जनजाति उनको 90% अनुदान में है। तो इसमें जो एक यूनिट जो दिया जाता है उसमें क्या है 45 रंगीन चूजे होते हैं अच्छा, या फिर 80 उसमें बटेर होते हैं, या तो मतलब 45 रंगीन चूजे कोई लेना चाहे या फिर 80 बटेर ले सकता है और उसके साथ में उनको दाना भी दिया जाता है। और ये जो होते हैं ये 28 दिन के चूजे होते हैं, तो ये वाला सही विभाग से जानकारी। हाँ हाँ, ये हमारे राज्य शासन की योजना है। ये खर लाभ लेना चाहें विभाग के काखर में जाएं कैसे आवेदन करें इखर बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल, आप जहाँ भी वो रहते हैं उनके लोकेलिटी में जो भी सरकारी संस्था है अच्छा, पशु चिकित्सालय है या पशु औषधालय है वहाँ के जो भी संस्था प्रभारी है उनसे वो संपर्क कर लें जी, तो वो बहुत ही आसानी से ये योजना का लाभ उनको मिल सकता है। जी जी, हाँ। तो ये मतलब 75% वो मतलब 90% का विभागीय अच्छा ठीक। तो सर आप आहार के बारे में बता रहे, तो शुरुआती दौर में प्रोटीन ज्यादा लगती थी जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो एक महीने तक उनको स्टार्टर आहार दिया जाता है स्टार्टर राशन, उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि चूजों को वो जब छोटे रहते हैं एक माह तक के रहते हैं तो उसमें उनको प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक लगती है। उसके बाद हम एक महीने से तीन चार महीने जब तक अंडा देने से पहले तक का जो राशन होता है उसको ग्रोवर कहा जाता है, तो ग्रोवर जिस स्टेज में उसको वृद्धि करना रहता है मतलब ग्रोथ होता है तो उसके राशन भी अलग रहते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम लगती है, एनर्जी की मात्रा ज़्यादा लगती है। फिर उसके बाद एक आहार आता है लेयर जिसमें अंडा उत्पादन होता है, और के महीने बाद शुरुआत हुई ये कड़कनाथ मुर्गियों में प्रोटीन वाला ज्यादा आहार, कोई कतका दिन मरे थे वो बीच वाले के थोड़ा ही थोड़ा फोड़ ये प्रोटीन वाला जो आहार है वो एक महीना एक माह तक रहता है, जिसमें 20 दिन के हम लाने एक महीना 20 दिन तक वैसे ज्यादा खाओ। फिर उसके बाद जो ग्रोवर राशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा 2% कम हो जाती है 20%। फिर उसके बाद फिनिशर आता है कि लास्ट में फिनिशर देके यदि आप 1 किलो 1.25 किलो कड़कनाथ मुर्गी जो है वो 3-3.5 महीने में हो जाता है अच्छा। उसके बाद यदि आप उसको सेल करना है तो आप फिनिशर राशन देके उसको सेल कर सकते हैं, और यदि आप उसको अंडा उत्पादन के लिए रखे हैं तो फिर अंडा उत्पादन जैसे स्टार्ट होगा तो आप उसको लेयर राशन देंगे, क्योंकि अंडा उत्पादन के लिए भी बहुत सारे जो विटामिन हैं और कैल्शियम है उसकी आवश्यकता पड़ती है अच्छा। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है जी जी। तो उसके लिए लेयर राशन तैयार किया जाता है जी जी। तो ये आहार प्रबंधन ढंगे अच्छा। हम कुछ बीमारी वमारी लगते का एक बार टीकाकरण वगैरह के कुछ आप बताओ जी जी। देखिए जैसे कड़कनाथ जो है ये देसी की ही एक नस्ल है अच्छा। ना कोई अलग से अपना विदेशी या फिर मिक्स वैरायटी नहीं है, तो इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो इसमें पाया जाता है, तो सामान्यतः इसमें बीमारी नहीं होती है अच्छा। लेकिन कुछ कुछ बीमारियां हैं जैसे कि रानी खेत है उसको झुमरी बीमारी भी बोलते हैं। उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण ये है कि वो किसान भाई मन बताते कि हाँ झुमर झुमर के मर जाते अच्छा, 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 अच्छा। तो झुमरी बीमारी है और चेचक है ना माता जो बोलते हैं अगर कलगी वलगी में फोड़ा हो जाते माता जैसे लक्षण दिखते, तो ये 2-3 बीमारी है, तो एकर जो है हमन ला टीकाकरण करना है अच्छा। है ना जब किसान भाई इतना मेहनत से मुर्गी पालन कर रहे थे अपन आमदनी बढ़ाए बर तो टीकाकरण से वो मुर्गी के जान ला बचाया जा सकते है ना। कि हमार इंग्लिश में एक बोलते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है ना, तो बीमारी होने का वेट नहीं करना है हमको, बीमारी होने से पहले ही उसका टीकाकरण करना है। तो इसके टीकाकरण के लिए जैसे ये है कि प्रथम सप्ताह में जो है वो रानी खेत का एक F1 स्ट्रेन आता है टीका आता है उसको लगाया जाता है, द्वितीय सप्ताह में फिर IBD या फिर इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज या गंबारो डिजीज बोलते हैं उसका टीका लगाया जाता है। ये तो मैं सब लगा रहा था 20 दिन वाला भैया, तो जो 20 दिन वाला हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं तो उसमें जो प्रथम सप्ताह में F1 स्ट्रेन और द्वितीय सप्ताह में IBD का टीका हम लगा के देते हैं अच्छा। और उसके बाद जो है वो चौथे सप्ताह में अपन रानी खेत का लसोटा देते हैं, फिर उसके बाद 42 से 45 दिन में चेचक का जो है माता का
उसका टीका लगाते हैं, तो ये सब हम फिर उसके बाद 50 से 55 दिन में रानीखेत का ही R2B का वैक्सीन लगाते हैं। तो दो वैक्सीन दो टीका हम लगा देते हैं और बाकी के आगे की जो जानकारी है वो किसान भाइयों को उपलब्ध करा देते हैं। जी ये जो टीका है तेना टीकाकरण करना चाहें तेखर दवाई का सरकार डाले फ्री मिल थे या कहाँ से मिली किसे मिली घर बारे बताऊँगा। सरकारी योजना के तहत टीकाकरण भी होता है। अच्छा ना टीकाकरण भी जैसे हम लोग जो बाकी पशुओं में जैसे टीकाकरण करते हैं ना गाय भेड़ भैंस ये सब में जो टीकाकरण होता है उसी तरह से कुक्कुट में भी टीकाकरण के लिए सरकार वैक्सीन अवेलेबल करवाती है। और जहाँ पे जैसे कि समय पे यदि नहीं भी हो पाए तो अपनी तरफ से बिल्कुल मतलब इसमें चांस नहीं लेना चाहिए, टीकाकरण तो बिल्कुल करवाना चाहिए। जी, जी। और जैसा कि इन्होंने बताया टीकाकरण तो क्या है, ये विषाणु जनित या जीवाणु जनित जो बीमारियाँ या परजीवी से जो रोग होते हैं उनके बारे में है। इसके अलावा क्या होता है ना बहुत सारी जो मृत्यु दर होता है ना वो उसके कारण ठंड लगने के कारण या ज़्यादा गर्मी या बरसात में सही प्रबंधन नहीं हुआ इसकी वजह से भी होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जैसे कि अब जैसे चूजे एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं तो मतलब इससे समझ में आता है कि इनको ठंड ज्यादा लग रही है। अच्छा है ना, तो जैसे ठंड का दिन है तो बल्ब को थोड़ा नीचे कर दिए तो उनको थोड़ा गर्मी ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से ठंड में और जैसे हवा चलती है तो वो सब मतलब बोरे वगैरह है ना बगल बगल के जो दीवार जो उत्तर पश्चिम दिशा में जो बताया था तो वहाँ पे बोरे लटका देने चाहिए ताकि वहाँ पे ठंडी हवा जाए ना रात में। अच्छा। और यही काम गर्मी में दिन में करना पड़ेगा कि लू ना जाए वहाँ पे। जी जी। है ना, और बरसात में वो गर्मी के दिन में जी गर्मी जी। के दिन में क्या है जो शेड जो ऊपर या तो मतलब देसी ऐसे तो आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि ऐसे थोड़ा पुआल बिछा लिया आपने और उसको भी स्प्रिंकलर से ऐसे गीला कर दिया तो शेड क्या है थोड़ा ठंडा रहेगा जी जी। और बोरे भी उसमें भी मतलब ऐसे और कूलर भी व्यवस्था करनी चाहिए मतलब उनको ठंडा भी रखना है। गर्मी के दिन में वैसा कर लिया, ठंड के दिन में वैसा कर लिया जैसे हमने बताया कि आपको मतलब ठंड के दिन में वही जो उनको गर्मी पर्याप्त मिलती रहनी चाहिए। दूसरा चीज आहार का जो उनका वो है ना पूरे टाइम मतलब भरा रहे, उनको कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठंड में अगर आहार की कमी हुई ठंड लग जाएगी उनको है ना, उससे क्या मृत्यु दर बहुत हो जाता है ज्यादा हो जाता है। जी, जी। तो वो चीज से बचाना है। बरसात है तो गंदा खाना या मतलब जो आहार हम दे रहे हैं देखना है कि कहीं उसमें फंगस तो नहीं लग गया या मतलब उसमें क्या बरसात में बहुत जल्दी दाना खराब होने का वो रहता है ना चांसेस, तो वो चीज देखना है कि मतलब बिल्कुल साफ सुथरा खाना हमको उनको और पानी साफ सुथरा देना है, देते रहना चाहिए। देते रहना बिल्कुल। हाँ जी सर, ये कौन कौन बात की विशेष ध्यान रखना जरूरी है पालन करे बार, एक तो टीकाकरण के साथ साथ में आहार के बारे में बताओ, आहार जो प्रोटीन भी बतावत रहे आप वो प्रोटीन के जो वो तो वहाँ मिलते थे कमर्शियल थे ना लगे हमारे किसान भाई अगर बनाना चाहें तो कौन सा बन सकते हैं घर बारे में थोड़ा जानकारी। किसान भाई यदि आहार निर्माण करना चाहते हैं और जो होम मेड आहार मतलब जो उनके घर में इजीली अवेलेबल हो सके तो उनको यदि ऊर्जा के रूप में मतलब वो ये एनर्जी के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, धान हो गया, कनकी हो गया, मक्का हो गया, क्योंकि जो जो मुर्गियों का आहार होता है उसमें 50% लगभग मक्का होता है। अच्छा। हाँ, तो मक्का हो गया, कनकी हो गया, गेहूं हो गया। मक्का मतलब ज्वारी की धमर रहा है, ज्वार की थोड़ी ज्वार बाजरा मक्का जोंधरा जोंधरा अच्छा जोंधरी 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 जी 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 जी। तो ये हो गया उनके ऊर्जा के स्रोत के लिए। और प्रोटीन के स्रोत के लिए सोयाबीन की खली, मूंगफली की खली और मछली का चूरा, उससे भी एनिमल प्रोटीन मिलता है मछली का चूरा। और उसके बाद अलग से मिनरल मिक्सचर जो होता है वो उसमें ऐड कर देंगे तो ये उनके घर में होममेड उनका मुर्गियों का आहार तैयार हो जाएगा और अपना आहार का जो कीमत है जो पैसा है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, ये सेट बनाए पर सरकार डाल ले कुछ सहायता सारी मिलते का कि जैसे मुखर आवास के बार सेट वेट बनाना है देखा पर कुछ विभाग के कुछ किसान पर सहयोग हवा है। नहीं, मनरेगा के तहत मुर्गी का शेड बकरी का शेड ये बन रहा है। अच्छा, है ना, पशुपालन विभाग की ओर से नहीं है, ये मनरेगा की तरफ से एक शेड बनता है, निर्माण होता है। और दूसरा एक चीज़ है, अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड का आप सुने ही होंगे, उसमें पशुपालन में भी आप जितना चाहें मतलब वो बहुत कम दर पे उसमें वो मिलता है ना, बहुत कम दर पे जो ब्याज रहता है उसका और आपको उसमें लोन मिल जाता है। अच्छा। तो वो मुर्गियों के लिए भी है। अच्छा, मुर्गियों के लिए भी आप लोन ले सकते हैं, आप उनको उनके आहार के लिए भी लोन ले सकते हैं, उनके शेड बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं और उसमें ब्याज दर जो रहती है बहुत कम रहती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे पशुपालन पर जो जो लाभ किसान मतलब कि सरकार द्वारा मिलते वो हर घर पर कुक्कुट पालन पर घलो मिल सकते हैं। हाँ, जी जी। अच्छा सर, ये कुक्कुट जो ये घर अगर मार्केटिंग मतलब जैसे चूजा लिटी पर लेगना है लानना है ये समय में कुछ विशेष सावधानी रखे पड़ते का। हाँ देखिए, जैसे चूजा आप कहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं जी जी। तो यदि वो एक दिन का चूजा रहेगा मतलब यदि मशीन से निकले रहेगा एक दिन का चूजा रहेगा तो उसके लिए
24 घंटा उसको यदि हम दाना और पानी नहीं देते तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होता जी, जी। और जैसे कहीं दूसरे जगह से चूजा लाते हैं तो चूजा लाने से पहले वो शेड को तैयार रखें, पूरा साफ वाफ करके पूरा फार्मेलिन वगैरह से उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं ताकि कोई भी विषाणु या जीवाणु वहाँ न रहे। फिर उसका बिछावन तैयार करके रखते हैं और जो ब्रूडिंग होता है जो हम लाइट देते हैं तो वो ब्रूडिंग उनका मतलब 4-5 घंटा पहले से ही लाइट वगैरह सब ऑन रहे वहीं पे। और जैसे हम लोग चूजे को लाते हैं तो वैसे तुरंत उनको दाना नहीं देना है, तुरंत जैसे आए उनको गुड़ पानी दें तो ज्यादा अच्छा है। और गर्मी के महीने में इलेक्ट्रोल पाउडर जो होता है हाँ वो उसमें मिला के दें तो अच्छा रहेगा। तो गर्म करेगा, एक घंटा बाद फिर दाना पानी देना चाहिए। जी जी। तो दौरा सर जी और यादव मैडम आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हवा, आपके जानकारी को मन फायदा उठाई, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर, जय जवाहर। तो संगी हो कड़कनाथ मुर्गा छत्तीसगढ़ के नहीं पूरा देश के विदेश में बिल्कुल छा गए हवा और खर्चा पानी उतके लगना है, ज़्यादा ध्यान देख जरूरत नहीं है। जो उन पैसे देसी मुर्गा करथन तो इसने और फायदा जो उन्हें 4-5 गुना है तो तू मन संगी हो चूजा लानो कड़कनाथ मुर्गा पालन करो। अब आप मन ला बस आज ही मेरे हमारे समय होवत है अवैया दरीबर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो वो तलगस जब सम्मो जमन संगवारी मल्ला जय जोहार।